भारत सरकार ने 27% आरक्षण क्या चीज में दिया है? आरक्षण तो 1992 से 27% लागू है, तो अभी भारत सरकार लोकसभा राज्यसभा में तो 27% आरक्षण का घोषणा तो नहीं किया है। उन्होंने आरक्षण संशोधन बिल लाया, जो सरकार को अधिकार था अपने अपने क्षेत्र में कास्ट वाइज संख्या लाने का, कौन कौन जाति ओबीसी क्षेत्र में आते हैं, उसको लेकर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रतिबंध लगा दिया था। उस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए जो है कि आरक्षण संशोधन बिल लाया गया, वो प्रतिबंध को जो है कि तोड़ा गया। हम लोग आशावान थे भारत सरकार से कि जो आरक्षण की बाध्यता थी 50% का, कि 50% से ऊपर जो है कि संवैधानिक दर्जा आपको नहीं दिया जा सकता है, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार संशोधन बिल के माध्यम से टूट जाएगा। कई विपक्षी पार्टी लोग भी इस पर मैंने संसद में मामला उठाए, खास करके कांग्रेस के साथी लोग, कि इसकी 50% की बाध्यता को ख़त्म करके इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसको निरस्त करें, लेकिन इस चीज़ को जो है कि नहीं कर सके, इसका हम लोग को अफसोस है। लेकिन हम सम्मान करते हैं कि आपने संवैधानिक दर्जा दिया कास्ट सेंसस के लिए, लेकिन जातीय जनगणना जो है के लिए आपने नहीं किया। अगर आप सदन में जातीय जनगणना का मान्यता दे दिए रहते तो आज ये स्पष्ट हो जाता कि कौन सी जाति का कितना परसेंटेज वोट है, उस हिसाब से जो है कि उसका सामाजिक विकास और उत्थान उच्चतम चोटी पर पहुंचता, ऐसा हम लोग का मानना था। कैलाश यादव जी, भारत सरकार ने अब राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है। राज्य सरकार को क्या अधिकार दिया? राज्य सरकार को दिया कि जाति की नहीं है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर के उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया था कि भारत सरकार को अधिकार है ये आरक्षण में किसी भी तरह का कोई संशोधन करने का, फिर उसने अभी जो संविधान संशोधन विधेयक उसको करके लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके राज्य सरकारों को अब अधिकार दे दिया है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे और क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम जो मराठा आरक्षण की जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो मराठा आरक्षण के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। क्या फैसला है? फैसला आया था कि भारत सरकार ही निर्णय कोई ले सकती है आरक्षण के संदर्भ में। बिल्कुल, सरकार किसी भी तरह की कोई निर्णय नहीं, कानून बनाने का अधिकार सरकार को होती है, चाहे कोई भी हाउस हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, असेंबली हो, स्टेट में कानून में हमेशा संशोधन करने का अधिकार जो है कि सरकार को नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कहा है, लेकिन हम लोग को अफसोस है कि भारत सरकार ने दोनों सदन में जो बिल आरक्षण संशोधन आया इसमें जो है कि जो हम लोग को आशा थी कि 50% उसको जो है कि ये लोग निरस्त कर देते हैं, लेकिन उस बाउंडेशन को तोड़ नहीं सके, उस चीज़ को लाया ही नहीं गया। केवल लाया गया कि राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है कि कौन कौन से जाति जो है कि ओबीसी क्षेत्र में आते हैं। अब जैसे झारखंड में कई हमारे कुर्मी साथी लोग जो है बोलते हैं कि हमको ट्राइबल में करो, हम लोग जो है कि हम लोग का खतिहान जो है 1932 में 8 में हम लोग ट्राइबल थे, और कुछ कुर्मी के साथी लोग जो है कि कहते हैं कि हम लोग ओबीसी थे। तो ये सब जो है कि विविधता है, परेशानियां है, इसकी स्पष्टता कैसे होगी बताइए। हम कैलाश जी ये जानना आपसे चाह रहे हैं कि देश की सरकार ने दोनों सदनों से जो अभी पारित कराया विधेयक, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं कि 27% आरक्षण का मामला अभी के सरकार ने नहीं किया, ये 1992 का जो किया हुआ सरकार था, जो माननीय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जो उस समय यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी जनता दल की, उन्होंने किया था। अभी सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि जैसे आज देश के 80% राज्यों में, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, यूटी स्टेट भी हो, बिहार हो, आपको क्या बोलते हैं हैदराबाद, आंध्रा हो, सभी जगह 69% 70% 60% 65% आरक्षण है। बाध्यता के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अधिकार क्षेत्रों में लाया, लेकिन अगर ये संशोधन कानून बन जाता कि नहीं 50% से ऊपर आपके राज्य भी जो है कि अपने आबादी के हिसाब से कर सकता है, जनसंख्या के हिसाब से, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम स्वागत इस मायने में करते हैं सरकार का कि आप जो है राज्यों को यह अधिकार दिए कि कास्ट सेंसस जो है कि अपने जाति का पता करें कि ओबीसी में कौन कौन जाति आती है, लेकिन अगर उसको वही जातीय जनगणना में इसको तब्दील कर दिए रहते तो पूरे समाज का विकास होता, और 27% का जो बाध्यता है इसको बढ़ाने का जो अनुशंसा कर दिए रहते, ये संशोधन तो बार बार आप नहीं ला सकते हैं। 127वां संशोधन में बहुत लोगों को आशा था, और इसमें तो विपक्ष सर्वसम्मति से साथ दिया, दो तिहाई बहुमत, सारा पक्ष और विपक्ष दोनों साथ दिया आरक्षण संशोधन बिल में, और ये अवसर था भारत सरकार को कि सारी विविधता को भूलकर ये चीज लाना चाहिए था। और 27% बंधु आरक्षण आज का नहीं है, ये लंबे हमारे प्रणेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो है ये अधिकार का जो है कि 1990 में पारित हुआ था, 92 में सिफारिश हुआ था, और आज उसका देखिए झारखंड में कटौती करके 14% कर दिया गया। तो क्या भारत सरकार इसके विषय में जानना चाहेगी?
उस समय तत्कालीन बीजेपी के बाबूलाल मरांडी की सरकार थी कि किस अवस्था में 27% को कटौती करके 14 कर दिया गया और शेड्यूल कास्ट को 15 से कटौती करके 10 कर दिया गया। तो हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, उसको लेकर आज हम लोग अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किए हैं और विजन डॉक्यूमेंट में स्पष्ट है कि हम झारखंड में राज्य में आने वाले समय में क्या कर सकते हैं और भारत के झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आशावान हैं, मांग करते हैं आज माध्यम से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप अपने चुनावी वादों को पूरा करें और सरकार की मंशा की स्थिति स्पष्ट करें कि सरकार चाहती क्या है। आपने बोला था कि जब सरकार में हम आएंगे तो यथाशीघ्र जो है कि ओबीसी का आरक्षण के विषय को हम जो है कि देने का लागू करने का काम करेंगे, लेकिन 20 महीना होने का हो गया, अभी सरकार की नींद टूटी नहीं है। लेकिन हम लोग सबको जगाने का काम किया, सरकार में शामिल जितने भी महागठबंधन के पार्टियां हैं, चाहे RJD हो, कांग्रेस हो, JMM हो, हम लोग सबको जो है कि ज्ञापन दे के हम लोग जगाए। रामेश्वर उरांव जी को माननीय मंत्री जी को दिए, आलमगीर साहब को दिए, सत्यानंद भोक्ता जी को दिए, स्पीकर महोदय को दिए, विपक्ष के नेता सुदेश महतो को दिए, मुख्यमंत्री जी को भी हम चाहते हैं कि हम लोग को बुला के डेलीगेशन के इस विषय पर वार्ता करें। हम लोग उनसे आसमान हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बुलाएंगे, जल्द बुलाकर वार्ता करेंगे। नहीं तो जनता अंत में क्या करती है, जनता जब सदन में नहीं सुनवाई होती है तो सड़क पर आती है। क्या मांग है कैलाश जी? मांग है कि OBC का आरक्षण 14 से बढ़ा के राज्य में 27 किया जाए, झारखंड में 10% से बढ़ाकर 15% जो है कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण किया जाए। चूंकि पूरे भारत में अभी सरकारी वैकेंसी लगभग खत्म को है, बेरोजगारी पूरे देश में चरम पर है, तो निजी क्षेत्रों संस्थानों में 75% हमको आरक्षण चाहिए, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, सरकार के द्वारा हमको उसमें चाहिए। उसके बाद जातीय जनगणना झारखंड में भी मांग है इसका, जिसके चलते जाति सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, हमारे जितने होनहार बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, हर चीज़ से वंचित हो रहे हैं। हमारे जितने अल्पसंख्यक भाई हैं उनको जो है कि छात्रावास बनना चाहिए, ST SC OBC माइनॉरिटी का हर जिला में छात्रावास। आज जो स्थिति है देश का, जो आचरण जो पैदा हो गया है समाज में, आज जिसके पिताजी रिटायर हो जा रहे हैं या जो सीनियर सिटीजन हो जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो अपने माँ बाप को सेवन नहीं कर पा रहे, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसके लिए ओल्ड एज होम बनावे सभी जिलों में, महिलाओं के लिए, बच्चों लोगों के लिए निःशुल्क जो है कि एडमिशन लिया जाए जो बेरोजगारी का समय है। तो सब्सिडी हम लोग को चाहिए 27%। और सबसे बड़ी बात है, राज्य को बने हुए 21 साल हो गया और यहाँ पॉपुलेशन करीब 3.5 करोड़ के आसपास में हो गया और पुराना परिसीमन आज तक चल रहा, परिसीमन में संशोधन हो और पूरे राज्य में लोकसभा में और विधानसभा में 27% OBC सीट आरक्षित किया जाए, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो OBC के लिए भी 27% जो है कि सीटें जो है ये। और हम लोग एक मांग करते हैं राज्य में जनता के विकास के लिए कि यहाँ विधान परिषद का भी गठन हो और विधान परिषद के गठन के लिए सरकार जो है कि विधानसभा से पारित करे प्रस्ताव और केंद्र को अनुशंसा करे और OBC आरक्षण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में मंजूरी लाए और विधानसभा से प्रस्ताव को पारित करके 70% आबादी को जो है कि अभिनंदन का तोहफा दें। ये हम लोग आज OBC आरक्षण के सभी पदाधिकारियों का मांग है और सभी हमारे वरिष्ठ साथी अलग अलग समाज से अलग अलग वर्ग से आते हैं और हम लोग का अगर इस क्या आपको लगता है आरक्षण से समाज सशक्त हो जाएगा क्या? बिल्कुल, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 27% मंत्री बना दिए, 27% फलाना बना दिए, हम OBC चीज से आते हैं, अगर इसको अधिकार नहीं दिया जाएगा तो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकारों का हनन होगा। तो ये तो जाति तो छोड़, जाति तो हकीकत है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, ये तो वैदिक पुराणों से हजारों वर्षों से ये तो सत्य है कि हम और आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। तो जाति का जो अधिकार है, अगर हम जन्मजात पिछड़े हैं तो हमको दूर करने के लिए तो सरकार का दायित्व बनता है, उसके लिए लंबा संघर्ष किया गया। देश के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न, संविधान निर्माता ने उन्होंने बताया कि अगर पिछड़ों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत करना है तो उनको सब्सिडी देना पड़ेगा। और हम तो इसके लंबा आरक्षण का हम अनुभव ही नहीं है, आप हमको समाज में एक समान विचारधारा में ला दीजिए, अगड़े पिछड़ों को एक बराबर ला दीजिए, आपको और हमारे बीच में क्रीमी लेयर का सिस्टम खत्म, सब एक समान आ जाएगा, तो आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण का मतलब क्या होता है? हम आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक तौर पर कमजोर है, तो क्यों नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए? बिल्कुल, आर्थिक आरक्षण पर ही आधार होती है, सामाजिक शैक्षणिक आधार विकास करने के लिए आरक्षण होती है। तो आरक्षण के लिए जो सरकार का पैमाना है, आप तो आरक्षण जातिगत आधार पर मांग रहे हैं? नहीं, जातिगत जनगणना की हम मांग कर रहे हैं और जाति के आधार पर जातिगत हम आरक्षण मांग रहे हैं निजी क्षेत्रों में।
अब जो रिक्शा चलाने वाला है, जो बादाम बेचने वाला है, जो सेव बेचने वाला है, जो ठेला चलाने वाला है, जाति धर्म के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब जैसे हमारे आदिवासी समाज के बच्चे हैं, जो जो दलित समाज के बच्चे हैं, जो ओबीसी पिछड़े समाज, जो बेलचा चला रहे हैं, जो कुदाली चला रहे हैं, जो नरेगा मनरेगा जैसे मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या उनको एक समान हमारे बराबरी में बैठने का अधिकार है कि नहीं? पहले बताइए, मैं मान के चलूं कैलाश जी के समर्थन में खड़े होंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के? पहला झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच होगा जो कि पूरे भारत में खड़ा होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के प्रांतीय अध्यक्ष श्री कैलाश यादव जी। कैलाश यादव जी ने बड़ी साफगोई से, बड़ी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर देश की सरकार ने जो अभी देश की संसद से, देश की दोनों सदनों से जो पारित कराया, उसके संदर्भ में जहां एक तरफ देश की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की सरकार के इस फैसले पे सवाल भी उठा रहे हैं कि समाज को, समाज के जनता की भागीदारी के अनुरूप आरक्षण नहीं। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया। धन्यवाद।